हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी क्रीम शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप डे और नाइट दोनों में इस्तेमाल कर सकती हैं। ये क्रीम आपके चेहरे को गोरा करेगी, सनबर्न और सन टैन से बचाएगी, दाग धब्बे दूर करेगी और चेहरे पर एक अद्भुत निखार लेकर आएगी। तो चलिए देख लेते हैं इस क्रीम को कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 से 12 बादाम लिए हैं जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। चलिए अब हम इसे पील ऑफ कर लेते हैं। ये अच्छे से भीग चुका है इसलिए इसे छीलने में आसानी हो रही है। देखिए मैंने सारे बादाम को छील लिया है और अब इसे किसी ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। सबसे पहले हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें रोज़ वाटर डाल देंगे। रोज़ वाटर हमारे स्किन को टोन करता है और इस पर एक फ्रेशनेस लाता है। हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन का पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ चंदन पाउडर डाला है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। चंदन पाउडर आपको कहीं भी आसानी से मिल सकता है। ये देखिए मैंने इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब इसे हम किसी छन्नी की हेल्प से छान लेंगे। इसे दबा दबा कर अब अच्छे से इसका सारा अर्क निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने सारा अर्क निकाल लिया है और जो गूदा बचा है उसको मैंने साइड में रख दिया है। उसको फेंकना नहीं है, उसे हम लास्ट में बताएंगे उसे क्या करना है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ऑलिव ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल भी डाल सकती हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है इसलिए मैंने इसको इसमें डाला है। अब हम इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे। आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर नेचर्स का एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल डाला है। एलोवेरा जेल हमारे स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है, स्किन को स्मूथ और सपल बनाता है। एलोवेरा जेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लें। मैंने इसे मिक्स करके अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे। ये देखिए मैंने इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है। अब इसे हफ्ते भर फ्रीज में रखकर इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए अब देखते हैं इसे लगाना कैसे है। आप इसे डे और नाइट दोनों वक्त लगा सकती हैं। इसे अपने चेहरे पर टैप टैप करके लगाएं और इसे अच्छे से मसाज करें जब तक ये चेहरे पर अच्छे से एग्जॉर्ब ना हो जाए। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से एग्जॉर्ब कर लिया है। आप इसे कम से कम 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें, उसके बाद इसे वॉश कर लें। ये क्रीम के लगातार इस्तेमाल से आपकी स्किन टाइटनिंग, लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग नज़र आएगी। चेहरे पर एक अद्भुत सा निखार नज़र आएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट मैंने रखा था बचाकर उसका क्या करना है। इस एक्सट्रैक्ट में हम 1 टीस्पून चीनी मिलाएंगे और 1/2 टीस्पून इसमें लेमन जूस मिलाएंगे। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसे एक स्क्रब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही नेचुरल स्क्रब बनकर तैयार है। इस क्रीम को मैंने 100% नेचुरल चीज़ों से बनाया है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो कैसी लगी मेरी आज की यह वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और आसान सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।